केंद्रीय क्षेत्र के गांव घड़ी बीरबल में गोचारण की भूमि से मिट्टी उठाने के मामले में ग्रामीणों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जी हां, गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाया और सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में करीब 15 एकड़ गोचारण की भूमि है जो यमुना की आई बाढ़ से बचने के लिए बांधी गई पटरी के अंदर आती है। जी हां, नियम अनुसार यहां से खनन नहीं किया जा सकता, परंतु सरपंच अवैध खनन पर मिट्टी बेचकर मुनाफाखोरी में लगा हुआ है। आरोप है कि सरपंच ने आसपास के क्षेत्र में सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को मिट्टी बेचने का गोरख धंधा शुरू किया हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि मिट्टी बेचने के इस कार्य में सरपंच के साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरपंच ने शीघ्र ही अवैध खनन को बंद नहीं किया तो वे एक बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, ग्रामीण भीम सिंह ने माइनिंग विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच द्वारा किए जा रहे अवैध खनन में माइनिंग विभाग भी मिला हुआ है, क्योंकि हम माइनिंग अधिकारी को कई बार इस मामले की सूचना दे चुके हैं। वहीं अधिकारी मौके पर टीम भेजने की बात तो करते हैं, पर मौके पर कोई नहीं आता है। यदि जल्द ही माइनिंग विभाग ने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इस मामले की शिकायत सीएम को भेजकर जांच करवाई जाएगी। सिंगड़ी बिरबल से जी। हाँ जी, हमारी यहाँ जमुना के बंधे के पास 15 एकड़ गौ चराने की जमीन है। बंधे के अंदर? हाँ, बंधे के अंदर 15 एकड़ गौ चराने की जमीन है। सरपंच साहब और कुछ अन्य व्यक्ति मिली भगत करके इसमें से मिट्टी उठवा रहे हैं, ना कोई परमिशन है। सवेरे 9 बजे करीब मेरी माइनिंग मैडम से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा भी हमारे पास से कोई परमिशन नहीं ली हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा भी इस पर कार्रवाई की जाए, और माइनिंग मैडम ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी प्रशासन से अनुरोध है, हमारा प्रशासन से अनुरोध है इसकी इंक्वायरी करके सरपंच के और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने यहाँ माइनिंग में ट्रैक्टर लग रहा है चंद्रों का, और 4-5 बंदे थे, इनको आ करके रोके है भाई, यहाँ से मिट्टी नहीं उठवानी है। उपजाऊ जमीन है और बहुत कीमती जमीन है। वो दूसरी साइड भी पंचायत के मिले से आगे। एक मिनट। हाँ जी, नाम शिवकुमार, गाँव गड़ी बिल्कुल। हाँ जी, और जो यहाँ पे मिट्टी का ये खुदाई चल रही, तो ये बहुत ही हमारा गांव की जो उपजाऊ जमीन है और गौ चराने के समिति है, सरपंच की मिली भगत द्वारा और कुछ अपना जो अधिकारी होंगे इससे संबंधित उनके उसमें, और सरपंच ने जो हमारे जमीन पड़ी वहां पे कुछ शरारती तत्वों पे कब्जा करा दिया, जैसे कि घास बो दिया, चेरी बो दी, और उससे कई बार बोला भी, वो बोल रहा भाई मैं नहीं रोक सकता, और जो तुम्हारा हो तुम कर लो। है? और अगर जो गड़ी बिरबल से सड़क चंद्राओं की साइड जाती है यहीं पे, और जो हमारा शमशान घाट है वो पहले ही ऑलरेडी नीचा था, और मिली भगत करके सरपंच ने उसमें रोड डलवाया सड़क के ठेकेदार द्वारा, और उसमें से मिट्टी खदवाई बेची है जी यहाँ से। किसको बेची है? ये जो अपना सड़क सागवान ठेकेदार है कोई। अच्छा। उससे मैंने भी उसका विरोध किया था, तो उन्होंने भी बोलिया चलो भाई कोई ऐसा नहीं होने का, उसके बावजूद भी फिर उन्होंने कई बार यहाँ पे रोड डाला और मिक्स कर। कहाँ से बेची है मिट्टी? ये शमशान घाट से भाई साहब, शमशान घाट है हमारा नदी के पास, गौ चराने के पास ही है जी ये रोड निकल रहे जो, और तकरीबन हमारा 30-35 लाख रुपया शमशान घाट का चुका है, और इस पे मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपया ऑलरेडी सारा लगा भी, और कह रहे अभी इसका कोई पैसे नहीं आया, और यहाँ से भी गौ चरान से भी किया जी। ये देख लो परले साइड में मशीन द्वारा 2-2.5 कनाल की मिट्टी ठेकेदार की मिली भगत से उठी है कुछ ऐसा, फिर हमने आके इसको जेसीबी वाले कोट आए यहाँ से जब वो गए। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में आज तक कभी भी कोई शिकायत या किसी प्रकार कोई मैसेज या फोन या किसी कोई भी अपनी नॉलेज में नहीं आया। अगर आया है तो मैं इसका जैसे आपने जिक्र किया इसको अवैध खनन वालों को भी भेजेंगे और अपने अपने स्तर पर भी इसकी जांच करवाएंगे। अगर इसमें पंचायत या कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। तो गौ चराने की भूमि से मिट्टी उठा सकते हैं या नहीं? मिट्टी तो वैसे कहीं से भी नहीं उठा सकते जब तक उसके पहले मंजूरी ना ली जाए, मंजूरी लेनी जरूरी है। अच्छा। कहाँ पे मिट्टी डल रही कहाँ पे नहीं इसके बारे में तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।